दोस्तों, इट डजंट मैटर वेदर यू लाइक और डू नॉट लाइक अ मोटरसाइकिल, बट एज अ ह्यूमन बींग यू विल ऑलवेज अप्रिशिएट अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, मेरे पीछे जो ब्यूटिफुल पीस ऑफ टेक्नोलॉजी है, इस बाइक के बारे में बात करूँ, इट इज यूनिक इन स्टाइल, एलिगेंट इन इट्स डिजाइन। बाइक के बारे में बात करूँ तो आपको ऐसी बाइक इंडिया के अंदर शायद ही देखने को मिलेगी। बेसिकली ये जो कंसेप्ट है, ये स्टार्ट हुआ था यूके में 1950s में, और ये बाइक है चॉपर मोटरसाइकिल। तो अगर बाइक के शौकीन हैं, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट कस्टम बाइक देखनी पसंद है, तो दिस वीडियो इज अ बिग वर्थ फॉर यू। वीडियो को पूरा एंड तक देखने जाना। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज नितिन जैन, यू आर वॉचिंग ओल्ड बर्नर। दोस्तों, इस बाइक के बारे में बात करूं, इस बाइक का नाम है क्वीन। क्वीन मतलब बेसिकली क्या है कि अगर आप सिंगल है या कमिटेड है, फर्क नहीं पड़ता, बट अगर क्वीन आपके साथ है तो आप किंग हो और ये आपकी क्वीन है, आपको किसी और पार्टनर की ज़रूरत ही नहीं है। पहले इस बाइक को अनवील करते हैं, फिर बात करते हैं कि बाइक के अंदर क्या क्या और किस लेवल पर काम करा गया है। बट अगर आप बाइक के शौकीन हैं तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों, इस बाइक के अंदर देखें तो बिल्कुल स्क्रैच से सब कुछ चेंज हुआ है। इसके जो रूट्स है बाइक के अंदर, इंजन को छोड़कर बाइक के अंदर शुरू से लेकर एंड तक सब कुछ चेंज हुआ है। इसके फ्रेम को लेकर, इसके चेसी को लेकर, टायर्स को लेकर, लाइक आप देख सकते हैं पूरी की पूरी बाइक रीबिल्ड हुई है। इस बाइक के अंदर बेसिकली अगर आप देखोगे तो ऐसी बाइक शायद ही आपको इंडिया में देखने को मिलेगी। यूके, यूएस, चॉपर मोटरसाइकिल बेसिकली इंडिया में कम ही देखने को मिलती है। बट ये जो बाइक है, दिस इज, मैं कह सकता हूँ, शायद आपके लिए आपकी ड्रीम बाइक होगी या उससे भी कहीं बढ़कर होगी ये बाइक। तो बाइक के अंदर बेसिकली ए से लेकर जेड तक चेंज हुआ है। ये बाइक रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड 500 सीसी बनी हुई है और चॉपर मोटरसाइकिल है। चॉपर मोटरसाइकिल बेसिकली में क्या होता है, अगर आप देखोगे जो उसके फ्रंट फोक्स है बेसिकली वो लेंथेंड रहते हैं, लंबे रहते हैं, ताकि बाइक को यूनिक डिज़ाइन मिल सके। साथ में चॉपर मोटरसाइकिल बेसिकली थोड़ी वाइड होती है, थोड़ी लेंथेंड होती है, लंबी होती है। अगर आप इसके बारे में बात करें तो एटलीस्ट ये अराउंड 7 to 8 feet की इसकी बाइक की लेंथ है, और मेरी हाइट के अकॉर्डिंग तो मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ इस बाइक के ऊपर। बट अगर आप 5.5 feet भी अगर आपकी हाइट है या 5.6 feet आपकी हाइट है, तो आप इजीली इसको चला सकते हो, इसको राइड कर सकते हो। तो बाइक के अंदर तो बहुत कुछ चेंज हुआ, बट पहले मैं इसको राइड देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ मेरा एक्सपीरियंस क्या है, फिर इसकी कुछ टेक्निकल पॉइंट्स कि कहाँ कहाँ पर न्यू मोटरसाइकिल इसमें चेंजेस करें, और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जहाँ से आप इस बाइक के ना इनहांस कर सकते हैं अगर आप इस तरह की बाइक कस्टमाइज कराना चाहते हैं तो। फ्रंट टायर पूरा का पूरा चेंज है। फ्रंट टायर की बात करूं तो 130 mm टायर की विड्थ है, 60 mm इसकी हाइट है, और 23 इंच का डायमीटर है। स्पोक व्हील्स हैं, 80 स्पोक्स हैं इसके अंदर, व्हील्स के अंदर। और अगर आपने बेसिकली देखा होगा, फ्रंट टायर हमेशा उसकी विड्थ कम होती है, रियर टायर की विड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है। उसका रीज़न एक यही है कि फ्रंट टायर अगर हम हैवी रख देंगे, इक्वल अगर दोनों का विड्थ होगा टायर का, तो हमें कट लेने में काफ़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए फ्रंट टायर हमेशा विड्थ में हमेशा हम कम रखते हैं।
अगर आप इसके इन्वर्ट फ्रंट फोक्स देखते हैं तो इन्वर्टेड फोक्स है, बेसिकली चॉपर मोटरसाइकिल है। लेंथ एंड फोक्स है, आगे स्ट्रेच आउट है ताकि बाइक को एक स्ट्रेंथ एंड अपीयरेंस मिले, एक स्ट्रेच आउट एक्सपीरियंस मिले, इसलिए इसको स्टैंड करा होता है थोड़ा ज़्यादा। तो फ्रंट फोक्स बेसिकली इसके इन्वर्टेड फोक्स है। एलईडी लाइट आप देख सकते हैं, पूरी पूरी एलईडी प्रोजेक्टर है, और मैं इसको एक बार ऑन करके दिखाता हूँ हेडलाइट एक बार। एलईडी प्रोजेक्टर है हेडलाइट, और फ्रंट फेंडर आप देख सकते हैं, फ्रंट फेंडर पूरा पूरा कस्टमाइज है, और इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये इसको पिन स्ट्राइप्स बोला जाता है, ये जो डिज़ाइन है इसका। और ये जो है ये इसकी फिटिंग है, बेसिकली फेंडर फिटिंग या मडगार्ड फिटिंग हम कह सकते हैं। इसका जो हैंडल है ये बहुत डिफरेंट है चॉपर के अंदर, या तो एप हैंडल बार्स होते हैं जो काफ़ी हाई हो रहते हैं, ये हैंडल बार्स ये से बेसिकली कस्टमाइज मोटरसाइकिल है, तो इट ये जो पूरा पूरा कस्टम हैंडल बार हुआ है ये अकॉर्डिंग टू कस्टमर हुआ है, तो पूरा का पूरा हैंडल बार पूरा का पूरा चेंज है, एक डिफरेंट डिज़ाइन है। अगर आपने मेरी पोजीशन देखी हो राइडिंग के टाइम पे, तो मेरे काफ़ी वाइड थे हैंड, मेरे काफ़ी वाइड ग्रिप थी, तो इससे क्या रहता है चॉपर मोटरसाइकिल में बेसिकली ज़्यादा वाइड ग्रिप ही रहती है, तो काफ़ी एक यूनिक डिज़ाइन, एक यूनिक स्टाइल आता है चलाने में जब राइड हम करते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा गोल्ड वर्क हुआ है यहाँ पे हैंडल बार्स के ऊपर, लिवर्स देख सकते हैं आप गोल्डन है, अगर आप यहाँ देखें यहाँ पे भी गोल्डन का वर्क करा हुआ है, अगेन इधर भी जो बार एंड्स है यहाँ पर भी गोल्डन का वर्क है, लिवर भी गोल्डन है। बाइक के अंदर बहुत काम करा गया है। अगर मैं टैंक की बात करूँ, टैंक का जो स्टाइल है ये ब्रॉड में रखते हुए थोड़ा सा नैरो रखा हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल देते हुए इसको, ये यहाँ पे क्वीन का एक लोगो बनाया हुआ है, ये पेंट है पूरा का पूरा, दिस इज़ नॉट अ स्टिकर, और यहाँ पे फ्लेम्स बना रखे हैं, और ये छोटी छोटी इसको पिन स्ट्राइप्स कहते हैं, तो बहुत यूनिक डिज़ाइन है, बहुत यूनिक कलर है, ब्लैक रेड और गोल्डन का बाइक के अंदर पेंट कॉम्बिनेशन है। फ्यूल हेड देख सकते हैं, फ्यूल हेड बहुत डिफरेंट है यहाँ पे, फ्यूल हेड के ऊपर देख सकते हैं फ्यूल कैप वो ब्लैक है, बट यहाँ पे अगेन गोल्डन कलर दे रखा है, गोल्डन कलर का पेंट कर रखा है इसके ऊपर। इंजन आप देख सकते हैं, इंजन पूरा पूरा मैट ब्लैक पेंटेड है, बट मैट ब्लैक के साथ साथ यहाँ पे भी कुछ एसेसरीज लगा रखी है, गोल्डन वर्क कर रखा है यहाँ पे भी, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन दे रखा है ब्लैक और गोल्डन का। यहाँ पर क्वीन का एक लोगो बना रखा है गोल्डन कलर से, ब्लैक कलर का यहाँ पे फ्रेम बना रखा है, एक की सेक्शन देख सकते हैं, की सेक्शन यहाँ पे दे रखा है ऊपर की तरफ। बैटरी कवर्स आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा एक डिज़ाइन क्रिएट कर रखा है बैटरी कवर्स में, ब्लैक रेड और गोल्डन का दोनों साइड से कवर कर रखा है इसको। अगर आप फुटरेस्ट देखना चाहें, फुटरेस्ट पे भी गोल्डन वर्क कर रखा है पूरा का पूरा, तो काफ़ी ब्लैक गोल्डन और रेड का कॉम्बिनेशन दे रखा है बाइक में। स्क्रैच से लेकर इसकी रूट से लेकर बाइक की डिज़ाइनिंग को लेकर सब कुछ चेंज है, सिर्फ इंजन को छोड़कर। और यहाँ पर भी अगर आप यहाँ से भी देखते हैं तो यहाँ पे भी ब्लैक कलर के कुछ एसेसरीज लगा रखी है, यहाँ पे गोल्डन कलर का पेंट कर रखा है, बेसिकली बाइक पूरी पेंटेड है, बाइक पे कहीं स्टिकर नहीं है। सीट अगर आप देखें तो जैसे मेरा अगर आप राइडिंग पॉस्चर आप देखते हैं तो सीट मुझे काफ़ी कंफर्टेबल थी इसकी, सिंगल सीटेड है बेसिकली पूरी की पूरी, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर आपको डिज़ाइन कुछ डिफरेंट चाहिए, कस्टम जॉब है, तो इट्स अप टू यू कि आपको किस तरह का डिज़ाइन चाहिए सीट के अंदर। आप चाहें तो इसको हर्ट की शेप में भी ले सकते हैं, ये तो बेसिकली एक अलग शेप है, ये डिपेंड्स अपॉन कि जिसने इसको कस्टमाइज़ कराया है कि उसने किस तरह सोच के वो कराया है। अगर इंडिकेटर्स आप देखते हैं, इंडिकेटर्स ब्लिंक कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, इंडिकेटर्स बहुत यूनिक है इसके अंदर। इंडिकेटर्स के साथ साथ इसके जो रियर फेंडर्स है, रियर फेंडर्स आप देखें तो रियर फेंडर्स बहुत शॉर्ट रखे गए हैं, चॉप्ड है रियर फेंडर्स। रियर फेंडर्स को शॉर्ट रखने का रीज़न ये भी है कि बाइक को एक नेकेड लुक दिया है, उसका रीज़न ये हो सकता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे स्विंग आर्म है, जैसे अगर आप देखते हैं इसको बेसिकली स्विंग आर्म बोलते हैं जिसको नहीं पता, बट इसमें सिंगल साइडेड स्विंग आर्म है, बेसिकली ज़्यादातर बाइक्स में डुअल साइड स्विंग आर्म होता है, बट इस बाइक में सिर्फ सिंगल साइडेड स्विंग आर्म दिए, और यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरा का पूरा नेकेड लुक है अगर आप इधर से देखते हैं तो। बाइक के अंदर सिंगल साइडेड स्विंग आर्म है इसके अंदर, बाइक को नेकेड लुक दिया है, और यहाँ से काफ़ी अच्छा अपीयरेंस आ रहा है इसके अंदर। अगर रियर सस्पेंशन की बात करूँ तो मोनोशॉक इसके अंदर लगे हुए हैं, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, मोनोशॉक इसके अंदर सस्पेंशन लगा हुआ है, क्योंकि ये बेसिकली सिंगल साइडेड स्विंग आर्म है और मोनोशॉक सस्पेंशन लगा, मोनोशॉक से बेसिकली क्या होता है हैंडलिंग हमारी बहुत बेटर हो जाती है मोनोशॉक से, बट मोनोशॉक बेसिकली सिंगल सीटेड के लिए ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, डुअल सीटेड में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि जब हमारी डुअल सीट होती है
तो जो पिलियन होता है, जो पीछे राइडर के पीछे जो भी पर्सन पीछे बैठता है राइडर के पीछे, उसको पिलियन कहा जाता है। जब वो बैठता है मोनोशॉक सस्पेंशन के अंदर, तो पीछे बाइक के हैंडलिंग में काफ़ी दिक्कत रहती है, तो मोनोशॉक बेसिकली सिंगल सीटेड में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, तो उसमें मोनोशॉक सस्पेंशन यूज़ करा गया है। अगर आप देखते हैं तो उसकी जो पीछे की नंबर प्लेट है वो इधर दी गई है, स्क्वायर शेप में दे रखी है, और इसके ऊपर एक टेल लाइट दे रखी है, इसके ऊपर स्विंग आर्म पूरा का पूरा, लाइक बाइक को जीरो से लेकर एंड तक सारा कुछ कस्टमाइज है, सब कुछ रीफैब्रिकेटेड हुआ है, रीफैब्रिकेटेड भी बेसिकली फैब्रिकेटेड हुआ है पूरा का पूरा। रियर टायर अगर आप इसके देखें, 240 mm की टायर की विड्थ है, 240 mm, और इसकी अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो 18 inch का इसका डायमीटर है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो गोल्डन कलर के स्पोक्स हैं, मल्टी स्पोक्स हैं, फ्रंट टायर और रियर टायर दोनों में स्पोक व्हील्स हैं, और गोल्डन कलर का गोल्डन कलर के स्पोक्स हैं इसके अंदर। ये व्हील क्या आप इसको कह सकते हैं, ये भी अगेन गोल्डन कलर का है। बहुत डिफरेंट अपीरेंस दिया बाइक को, जो इस तरह से काम करते हुए देखा गया है इस बाइक के अंदर। यहाँ पे पूरा ब्लैक रेड और गोल्डन का कॉम्बिनेशन है चारों तरफ। अगर आप इसका एग्जॉस्ट देखें, एग्जॉस्ट पूरा का पूरा इनकी कस्टम वर्कशॉप में तैयार हुआ है, आफ्टर मार्केट नहीं है, ये हैंडमेड है पूरा का पूरा, जो इनकी वर्कशॉप में बनाया गया है। ये स्टेनलेस स्टील का है, स्टील का पूरा वर्कशॉप है, स्टेनलेस स्टील मतलब इस एग्जॉस्ट पे जंग नहीं लग सकता, स्टेनलेस स्टील। तो ये पूरा का पूरा एग्जॉस्ट इनकी वर्कशॉप में तैयार हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको इसका एग्जॉस्ट सुनाता हूँ, जो इनकी कस्टम वर्कशॉप में हैंडमेड एग्जॉस्ट है, स्टेनलेस स्टील का एग्जॉस्ट जो इनकी कस्टम वर्कशॉप में बना है। इसका डिजाइन आप देख सकते हैं, पूरे का पूरा एग्जॉस्ट फ्री फ्लो है। तो दिखाता हूँ मैं कि एग्जॉस्ट की साउंड कैसी है, और इसका बैक प्रेशर भी मेंटेन्ड है, जो मुझे लगा चलाते हुए कहीं भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। तो पहले मैं इसका एग्जॉस्ट सुनाता हूँ कि इसकी साउंड कैसी है। बाइक के अंदर इतना काम है मतलब मैं शायद हो जाता है मैं कुछ जगह भूल भी जाऊँ बताते, बट बाइक के अंदर ए से लेकर जेड तक सब कुछ डिफरेंट है। अगर आप इसका बैली पैन देखें तो बैली पैन का डिज़ाइन देख सकते हैं किस तरह से आ रहा है, ये यहाँ से कुछ इस तरह का डिज़ाइन आ रहा है बैली पैन के अंदर। अब बैली पैन पे भी अगेन ब्लैक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन है कलर का। साथ में अगर आप यहाँ से देखें तो ये डिज़ाइन दे रखा है बाइक को बैली पैन के अंदर। तो बाइक के अंदर देखूँ तो मतलब सब कुछ ही चेंज है इसके अंदर। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह की बाइक अगर आप कस्टमाइज़ कराते हैं, तो जैसे इसके अंदर एयर सस्पेंशन नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप इस तरह की बाइक में आप इतना कस्टमाइज़ करा रहे हो तो एयर सस्पेंशन भी लगाना चाहिए इसके अंदर। एयर सस्पेंशन क्या होता है बेसिकली, बाइक के अंदर जब एयर सस्पेंशन करते हैं तो हम इसकी जो हाइट है ग्राउंड से लेकर बाइक के बेस की, तो हाइट को हम एडजस्ट कर सकते हैं। हम चाहे तो उसको और ऊपर कर सकते हैं, हम चाहे तो उसको और नीचे कर सकते हैं। तो इंडियन रोड्स के अकॉर्डिंग अगर जैसे कहीं पे स्पीड ब्रेकर आते हैं, वैसे जहाँ तक मैंने राइड करा मुझे कहीं नहीं लगा कि स्पीड ब्रेकर है, कहीं पे भी आपको किसी भी लेवल पे दिक्कत हो सकती है। बट अगर आप चाहते हैं कहीं पे आपको लो हाइटेड चाहिए, एक डिफरेंट एक्सपीरियंस चाहिए, तो आपको एयर सस्पेंशन के साथ आप बाइक की हाइट को जब बेस से वो नीचे कर सकते हैं। और आपको लगता है कि जहाँ पे ऑफ रोडिंग है काफ़ी ज़्यादा आपके इंजन पे कहीं पे लगने के चांसेस हैं, तो आप एयर सस्पेंशन के साथ बाइक की हाइट को थोड़ा ऊपर इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आप एक फीचर इसमें ऐड कर सकते हैं। और बहुत जगह वैसे काफ़ी हद तक तो बाइक मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगी, बहुत ही डिफरेंट लगी। मैंने ऐसी बाइक बेसिकली यूके या डिफरेंट कंट्रीज़ में देखी, इंडिया में भी इस तरह की बाइक नहीं देखी रियलिटी में। बट हाँ, बाइक के अंदर बहुत अच्छा काम करा गया है, इसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी लगी मुझे चलाते हुए। अगर आपने मेरा राइडिंग एक्सपीरियंस देखा होगा तो मुझे बहुत कंफर्टेबल पोजीशन थी मेरे लिए। इस बाइक की कॉस्ट की बात करूँ तो बाइक के अंदर अप्रॉक्स 6 से 6.25 lakh की कॉस्ट आ जाती है इस बाइक के अंदर। और अगर इट डिपेंड्स अपॉन कि आप इसके अंदर क्या चेंजेस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कुछ अलग चाहिए तो उसकी कॉस्ट ऊपर या नीचे भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको क्या कस्टमाइजेशन चाहिए। नी मोटरसाइकिल जिन्होंने इस बाइक को कस्टम बिल्ड करा है, ये जो अमेजिंग मास्टरपीस क्रिएट करा है, इनका एड्रेस इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इस तरह की बाइक कस्टमाइज चाहिए या कुछ और बाइक मॉडिफिकेशन या कस्टमाइजेशन चाहते हैं तो। प्लस हमारे सोशल मीडिया के एड्रेस यहाँ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहे होंगे, तो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप बाइक से रिलेटेड मैकेनिज्म को जानना चाहते हैं, कुछ डिफरेंट सेगमेंट्स की बाइक देखना चाहते हैं, आप कैसे बाइक कस्टमाइज़ करा सकते हैं, किस किस तरह की डिफरेंट बाइक्स होती है
आप किस किस तरह से कस्टमाइज़ करा सकते हैं, तो आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। प्लस अगर आपको इस तरह की मोटरसाइकिल या कुछ अलग डिफरेंट सेगमेंट्स की मोटरसाइकिल देखना चाहते हैं कस्टमाइजेशन इंडस्ट्री के अंदर, तो आप ओल्ड बनर को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिली जाए। तो दोस्तों, दिस इज द वीडियो ऑफ क्वीन ऑफ मी मोटरसाइकिल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।